अब एक वाक़े आपके सामने बयान करें तफसील से और तफसील से बयान इस वजह से कर रहे हैं डेट्स वग़ैरह भी ताकि और किताबों के हवाले से ताकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा याद इमाम हुसैन किसी भी सूरत में अफजल तरीन नबादत है नोह व मरसिया व सोज व सलाम हो हती आप आपस में भी गुफ्तू करें इमाम हुसैन के बारे में फिर क्या ज्यारत ज़ारत में से जो एक ज्यारत है जिस पर गुफ्तू चल रही है जियारत अरबाइन के जो माम की मोमिन की अलामतों में से एकत है लेकिन जियारत में से एक अहम तरीन जियारत जिसकी बहुत ताक़ीद है व ज़ियारत आशूरा है हम भी जब पुम गए और सबसे पहले मुलाकात हुई हमारी आयतल उज़मा सैद मुफ्ती शी से और फिर आयतल उज़मा बहजत से वजह ये थी कि इन दोनों के फर्जंदान कराची में थे और दोनों के फ़र्जंदों ने कुछ कुछ किताबें हमारे साथ भेजी थी और हमारे लिए खुशकस्मती ये हुई कि जाते ही जो सबसे पहले हम किसी ईरानी के घर में गए सबसे पहले किसी आलिम से मिले सबसे पहले किसी के घर में गए वो इन दो बुज़ुर्गों से मिले और अब तक हमें ताज्जुब होता है कि हमें भी नहीं मालूम था ये अल्लाह ने कितना बड़ा लुफ़ करम फ़रमाया कि इन दो बुज़ुर्गों के घर भी गए और हमें पता भी नहीं था कि ये हैं क्या और फिर इन दो का भी यही था कि जब हमने सवाल किए और ये सवाल काफ़ी से किए कि वात के बाद और हराम से बचने के बाद मारफत ख़ुदावन व वाला और मार्फत मासूम राम के लिए बेहतरीन अमल किया है तो तमाम तमामा फ़रमाते थे ज़्यारत जामिया और ज़्यारत आशू यही जवाब था आयतल उज़मा बहजत का यही जवाब था आयतल उस्मा सैद मुफ्ती शिया का यही जवाब था आयतल महसिन मलायरी का यही जवाब था आयतुल्लस्मा मार नजफी का और यही हमने सवाल किया था आयतल अब्दुल ने तैयब से और उन्होंने भी यही जवाब दिया लेकिन साथ में एक ताक़द की थी कि जो हमेशा हम जिक्र करते हैं कि रात को सोने से पहले भी चारद मासूमिन की जियारत करो अब यह जीारत तवील भी हो सकती है और हमेशा इस कानून पर चलें कि जो हम जो या अल्लाह भी कहते हैं तो खुदाबंद तबारक व से कॉन्टेक्ट हो जाता है और जिस वक्त हम असलम या नबी अल्लाह नबीम या रसूल अल्लाह असल के मौलिर इनमें से किसी को भी हम सलाम करें और ये इतना तवील अरबी का जुमला भी ज़रूरी नहीं है हत्ता अपनी ज़बान में सलाम करें हत्ता ज़बान चलाने की भी ज़रूरत नहीं है फ़र्ज़ करें अंबिया का तसव्वुर करें मौलिर का तसव्वुर करें अलग अलग ये भी अगर नहीं हो पा रहा चहारद मासूमिन का तसव्वुर करें अस्सलामु अलैकुम हमारा सलाम मख्तर होगा मुमकिन खालस ना हो लेकिन उनका जवाब जो है वो खालस होगा तो हज़रत अब्दुल हुसैन तैयब के जो साहिब तफसीर बयान और साहिब किताब कलामी कलम व तैयब के मौलफ थे इसफहान उनसे मिलने गए तो उनका यह था कभी भी रात को ना सो मगर ये कि मासूमीन की जीारत पहले करो पर समथिंग इज़ बैटर दैन नथिंग तो ज़ियारत इमाम हसैन की बहुत ताक़द है जीारत मासूमी जर्नल जियारत इमाम हुसैन उनका भी यह जीारत जाम ज़ियारत आशुरा इसी तरह से आयतल एक मोहसिन महारीरी थे उनका भी ये था खुदावन तबारक तैमी उनके दर्जा बल्न फरमाए बाकी हमने दर्जन से सवाल किया सब का यही था जनाब हज़रत शेख अब्बास के जिनकी मशहूर तरीन किताब है और हम पहले भी डिस्कशन कर चुके कि तमामा कहते हैं कि इस किताब से यानी उनकी किताब मशहूर तरीन क्या है मफ़ातिजनान मफातिजनान मशहूर तरीन किताबों में से है लेकिन आमाल और दुआओं की सबसे बेहतरीन किताबों में से नहीं है और भी किताबें हैं लेकिन तमाम मा कहते हैं कि ऐसा कोई ख़ास अमल किया था उन्होंने या ख़ास उनका मकाम था कि कोई भी मस्जिद इस वक्त दुनिया में कोई भी इमाम बार का इस दुनिया में कोई भी इमाम या इमाम ज़ादे का हरम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मफातुल जना ना पढ़ी जा रही हो इस वक्त भी दुनिया के किसी ना किसी गोशे में किसी ना किसी एक इंसान के हाथ में मफातुल जनान खुली हुई होगी और वो कोई ना कोई चीज़ पढ़ रहा होगा इस वक्त भी उन्होंने भी ज़्यारत जामिया के चैप्टर से पहले जो जिक्र किया है जनाब सैद रश्ती का वाकया के जो इमाम जमान सलाम से मुलाकात हुई है कि वह आप वहाँ पर तफसील से जा देख सकते हैं और जो ये मुलाकात हुई तो इमाम ने उनसे फ़रमाया तुम ज्यारत जामिया क्यों नहीं पढ़ते जामिया 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 ज्यारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते आशूरा 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 यह वाक़ वाक़ सैद रश्दी के नाम से ज्यारत जामिया से पहले ज्यारत जामिया क्या है तमाम आइम् की मुश्तरक ज्यारत ज्यारत आशूरा मखसूस इमाम हुसैन सलातम तो शेख अब्बास ने इस वाक़े को बयान किया इस चीज़ को बयान किया है कहाँ पर ज़ियारत आशूरा के बाद ज़्यारत आशूरा के फ़ज़ाइल के बाब में शेख अब्बास ने मफ़ातुल ज़िनान में किससे नकल किया है अपने उस्ताद मुहद्द नूरी की किताब दार से शेख अब्बास का इंतकाल हुआ है नाइनटीन फोटी में और जनाब मुहदस नूरी का इंतक़ाल हुआ है 1902 में और जनाब महद नूरी ने एक वाक़ बयान किया है और जिस वाक़े को उन्होंने नकल किया है एक इंतहाई पाक और पाकिज़ा और साहिब करामत और बहुत ही मोतबद और साहिब रियाजत एक आलिम से एक जिनके के लिए उन्होंने फ़रमाया है अमीन हाज मोहम्मद अली यसदी ये इंतहाई इबादत गुजार अफराद में से थे और इबादत और ज़्यारत के लिए रातों को जाते थे एक कब्रुस्तान में यज्द में और उस कब्रुस्तान का नाम था जुए हरहर उस जुए हरुर उस इलाक़े का नाम था तो वहाँ के कब्रुस्तान में जाते थे और वो कहते हैं कि उनका एक दोस्त था जिसे वो बचपन से जानते थे उसका इंतकाल हुआ और एक महीने तक तो उसको उन्होंने ख्वाब में नहीं देखा जाहिर है कि हर किसी को देखता भी नहीं है इंसान तकरीबन एक महीने के बाद उन्हें ख्वाब में देखा और इंतहाई अच्छे आलम में देखा अब क्योंकि ये इनका दोस्त था और बचपन का दोस्त था तो ये कहते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने कहा भाई तुम्हारे इतने अच्छे हालात किस वजह से जैसे आपस में एक दूसरे को जानते हैं कि तो उसने कहा कि मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे कल तक इतने अच्छे हालात नहीं थे लेकिन कल ही रात अशरफ आहंगर या अशरफ हद्दात की बीवी दुनिया से रुखसत हुई है और उसको दफन किया है कल और जैसे ही कब्रुस्तान में उसकी मैयत आई तो इमाम हुसैन असलातलाम तशरीफ लाए और जब उसको दफन किया तो फिर तशरीफ लाए और फिर रात को तीसरी दफा तब तशरीफ लाए हैं तो उन्होंने फरमाया कि इस कब्रस्तान के तमाम लोगों के अजाब को ख़त्म कर दिया जाए या इनकी मुश्किल को ख़त्म कर दिया जाए और इनके दर्जात को बुलंद किया जाए बेहुक्म खुदावन तबारक वाली कहते हैं जैसे ही तीसरी दफ़ा इमाम हुसैन सलाम आएँ तो मेरे हालात बदल गए अब मुमकिन एक कोई कहे क्या दफन होने से करीब कोई मुश्किल हल हो जाती है कहा जाएगा नहीं इतनी बात वाज़ है कि कुछ अच्छे काम ऐसे हों कुछ शराइत ऐसी हों कि चीज़ें ख़त्म हों मिसाल के तौर पर अगर कोई मुनाफ़ होता काफ़िर होता दुश्मन खुदा रसूल होता तो ना होता बस इनके हालात सही हुए उनके लिए शर्त है याद रखें दुनिया में कोई ऐसा जुमला नहीं है जो मशरूत ना हो मिसाल के तौर पर कुलू ला लाहल्ला हो ला कहो ला लह फ़ला पा जाओगे ये मशरूत है ये ऐसा ही है यानी अम्बिया को कत्ल कर दो और कहो ला फला पा जाओगे कहा जाएगा ना दुनिया के हर जुमले के साथ शराइ होती हैं मिसाल के तौर पर आप किसी को जॉब दें तो आप कहें कल से तुम तो जॉब पर आना तुम्हारी इतनी तनख्वाह होगी यानी जॉब पर आना फत काम ना करना कहा जाए कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं ना काम करना है पूरा काम करना है एहतराम करना है इन्वामेंट को ख़राब नहीं करना है डिस्क्रमनेशन नहीं करना है किसी की तोहिन नहीं करनी है मारपीट नहीं करनी है ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं गाली गलोच नहीं करना है वो क्या आपने तो मुझसे ये कहा था कल से आना और इतने पैसे मिलेंगे बस में आ गया कहा जाएगा नहीं ये सारी चीज़ें साबित हैं तो दीन एतबार से भी बात चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शफात का मसला है शफात किसकी होगी जो बिना मुसलमान गया होगा थोड़े से गुनाह जो माफ हो सकते हों शफात में हर गुनाह की माफ़ी नहीं है हजारों लोगों किसी ने कत्ल कर दिया शफात हो जाएगी जाएगा ना शफात की भी शरायत है वो गुनाह के जिनका ताल्लुक अल्लाह सुबहाना माफ हो जाएंगे वो गुनाह जिनका ताल्लुक मखलूक से वो माफ़ नहीं होते कोताही हो गई नमाज कजा हो गई वह गुनाह कर दिया अल्लाह से रेलता माफ़ हो जाएगा ालिम की नहीं होती तो ये हमने चीज़ें बयान कि कोई मुमकिन है कि एतराज़ करे कि जी क्या इमाम हसैन ने सबको तो वह दुनिया क्यों बनी है कहा जाएगा ये वही चीज़ है कि जो शफात है और शफात की भी शराब थे अब ये फरमाते हैं कि मैं मेरी आँख खुल गई इसके बाद लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन खातु है और मैं गया फिर क्योंकि कहा था कि अश, उस्ताद अशरफ आहंगार या उस्ताद अशरफ हद्दाद हदद यानी लोहार कहते हैं मुझे ये नाम याद रहा और मैं गया लोहार की मार्केट और वहाँ जाके मैंने सवाल किया क्या यहाँ लोहारों में से कोई लोहार है जिनका नाम है उस्ताद अशरफ हद्दाद यानी लोहार उस्ताद अशरफ नाम का कोई आदमी है तो लोगों ने बताया कि हाँ कहा पूछा कि इसका किसी का इंतकाल हुआ है कहाँ बीवी का इंतकाल हुआ था कल ही दफन किया है आप ये गए वहाँ पर और जाके कहा कि आप अशरफ हद्दाद हैं आपकी जोजा का इंतकाल हुआ है कहाँ कहा यह बताइए कि ये क्या काम करती थी क्या ये ज़ायरा थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या ये मसायब पढ़ती थी इमाम हुसैन सलाम के या जिक्र करती थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा ना इनमें से ना ये कभी ज्यारत पे गई ना ये मसाइब पढ़ती थी इमाम हुसैन की लेकिन हाँ ये बाकायदगी से ज़्यारत आशूरा पढ़ती थी ये क़ब्र इन खातून की आज भी है इन खातून का नाम था फातमा और जोज़ा किसकी की अशरफ हद्दात की तो फातमा अशरफ नाम से अभी तक ये क़ब्र है वहाँ पर ममनिन जाते हैं और दुआएं भी मांगते हैं उसको उन खातून को इमाम हुसैन की बारगाह में अल्लाह की बारगाह में शफी भी करार देते हैं आपको क्या कहे शिर कह कहा जाएगा ना यानी कहा जा रहा है कि अल्लाह हम गुना गा रहे हैं तुझे वास्ता है इस नेक हस्ती का कोई इसमें बुराई नहीं या अहल बैतमलम को वास्ता दिया जाए कि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं हम आपको अपना क्या वास्ता दें हम आपको वास्ता दे रहे हैं मसला आपकी जद्दा का आपके जद का जनाब सकीना का जनाब अली असगर का कभी कभी इंसान कह सकता है कि देखें ये एक आपकी मानने वाली थी इस पर आपने रहम किया इस पर आपने करम किया हम पे भी नज़र करम कर दें तो वहाँ पर जाते हैं वो क़ब्र मौजूद है उसके इर्द गिर्द पूरा इस वताता है और कसरत से लोग जाते हैं और उनका इंतकाल हुआ था 1872 में 1872 में फातमा अशरफ हद्दात का इंतकाल हुआ है हंड्रेड एंड टू में मुहदसे नूरी का इंतकाल हुआ है उन्होंने इसको वाक़ को, को नक़ल किया है किससे सक़तम अमीन हाज मोहम्मद अली यसदी से और ज़िक्र किया इस वाक़ का किताब अपनी दारुसलाम में और दारुसलाम से नक़ल किया इस वाक़े को शेख अब्बास से कुम्मी ने आप तसवुर करें कि यह ख़ातून कोई बहुत बड़ी आलम नहीं थी लेकिन इतने इतने बड़े हत़् साहिब मफ़ातल और आज इस खातून का ज़िक्र हर रोज़े में है हर इमामजादे के रोज़े में है हर मस्जिद में है हर इमाम, इमाम बारगाह में है और कहा जा सकता है कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में जाहिर है कि अब तादाद तो क्या कही जाए पूरी दुनिया की मुख्तलिफ शिया वेबसाइट पर है और जहाँ पर भी मफाती है वहाँ इस खातून का ज़िक्र है और ये सब कुछ किस लिए है क्योंकि इस खातून को इश्क था उस ज़ात से कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था अल्लाह की राह में